हेलो बच्चों वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम जो चैप्टर रीड करने वाले हैं वो है वेदर एंड सीजंस आपने अपने स्कूल में पढ़ा होगा वेदर एंड सीजंस के बारे में तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी वांट टू नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ वेदर एंड अ सीज़न इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या होता है सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेजर डिफरेंस इज वेदर चेंजेस डे बाय डे और इवन ड्यूरिंग द डे but season season is for a longer period of time generally for two or three months we can say okay so this is a major difference so let's start studying weather weather often changes it changes during the day and from day to day days can be sunny or cloudy काम वॉट इज द वेदर लाइक एट दिस मोमेंट ओके सो डू यू अंडरस्टैंड वॉट वेदर इज वेदर क्या होता है वेदर जैसे मैंने अभी आपको बताया वेदर चेंजेस ज्यूरिंग द डे एंड फ्रॉम डे टू डे मीन्स कभी कभी ऐसा होता है ना कि सुबह जैसे जब हम मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो कैसा वेदर होता है मम्मी बोलती है आज तो सनी डे है बिकॉज सन इज राइजिंग बट सडनली क्या हो जाता है आफ्टरनून के टाइम पे एकदम से क्या हो जाता है क्लाउड्स आ जाते हैं राइट right? तो फिर क्या हो जाता है अच्छा अच्छा भागो 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 बारिश आने वाली है है ना इट इज गोइंग टू रेन तो क्या होता है ये वेदर चेंजेस वेदर इस तरह से चेंज हो सकता है बट सीजन के नॉट चेंज लाइक दैट ऐसा तो नहीं है ना अब जैसे कुछ टाइम से क्या चल रही है हमारे कौन सा सीजन चल रहा है हमारा विंटर सीजन चल रहा है तो ऐ, क्या ऐसा हुआ है कि कल विंटर सी और आज समर आ गई या आज समर है तो कल रेनी सीजन हो गया ऐसा तो नहीं होता है ना सीजन कैसे होते हैं सीजन लॉन्ग टाइम के लिए चलते हैं और वेदर क्या होते हैं जो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं ओके सो so, अब आप सब मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में व्हाट इज द वेदर लाइक एट दिस मोमेंट अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं इस टाइम पे आपके वहां पर आपके लोकेशन पे जो है वेदर वो कैसा है हाउ वॉज इट इन द मॉर्निंग और जो आप जहां रहते हैं वहां इस टाइम पे मौसम कैसा है और मॉर्निंग में वो मौसम कैसा था ओके हैज इट चेंज नाउ और इज इट द सेम ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप जहां रहते हैं जहां से आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं वहां पे वेदर कैसा है ओके okay. और मॉर्निंग में कैसा था और क्या चेंजेस उसमें हुआ है फ्रॉम मॉर्निंग टू द नाइट ओके

द हीट ऑफ द सन कॉजेज चेंज इन टेम्परेचर द हीट ऑफ द सन जब सन की हीट होती है वो क्या करती है चेंज कर देती है टेम्परेचर को क्योंकि अब जैसे विंटर्स हैं कभी कभी क्या होता है विंटर्स में जब सन अच्छे से राइज करता है सन ब्राइटली राइज करता है तो हम क्या बोलते हैं आज तो अच्छी धूप है आज मौसम ठीक है और कभी कभी क्या होता है बहुत क्लाउडी डे होता है सन आता ही नहीं है तो तब क्या होता है तो ममा क्या बोलती है आज तो बहुत ठंड है आज तो बहुत ठंड है आज तो फॉगी डे है राइट दिस टेम्परेचर चेंज ब्रिंग्स अबाउट द मूवमेंट ऑफ एयर टेम्परेचर जो चेंज होता है नेक्स्ट जो फैक्टर है वो क्या है एयर का फैक्टर है एयर जैसे कभी कभी क्या होता है विंडी डे होता है ना जैसे मम्मा बोलती है ना कि आज तो विंडी डे है मीन्स आज हवा बहुत चल रही है राइट द मूविंग एयर कॉल्ड विंड कॉज द वेदर टू चेंज ओके द मूविंग एयर जो फास्ट मूविंग जो एयर होती है हम उसको क्या बोलते हैं विंड बोलते हैं एयर नियर द ग्राउंड इज हीटेड बाय द सन दॉट एयर राइजेस अपवर्ड्स एंड कैरीज वाटर वेपर विद इट इट इज ऑल अबाउट वोटरसाइकिल आई होप आपने पढ़ी होगी अपनी क्लास में और नहीं होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर कमेंट कर सकते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो वाटर साइकिल इंट्रोड्यूस करवाऊंगी The water vapor rises into the sky and forms clouds. Okay, the water vapor rises into the sky, and this process is called evaporation. Right, wind carries these clouds to different places. When these clouds cool down, it rains. Remember the water cycle and the cooling process. When the clouds cool down, what is it the process is called?

कट अ स्ट्रिप ऑफ पेपर होल्ड इट ओवर अ लाइटेड कैंडल एज शोन यू विल सी दैट द स्ट्रिप मूव्स अपवर्ड्स वाई आप ये सब ट्राई करके देखेंगे ये एक्टिविटी आप अपने होम पर ट्राई करके देखेंगे ये क्या है इसमें आप एक कैंडल लेंगे और उसके ऊपर क्या रखेंगे वन पीस ऑफ पेपर ओके तो जब आप कैंडल के ऊपर पीस ऑफ पेपर को होल्ड करेंगे तो आप क्या नोटिस करेंगे कि वो जो पीस ऑफ पेपर है वो क्या होगा स्ट्रिप्स मूव्स अपवर्ड वो क्या कहाँ होगी ऊपर की तरफ वो मूवमेंट उसकी होने लगेगी एंड इज इट सो क्या रीजन है उसका द बर्निंग कैंडल हीट द एयर अराउंड इट वेन द एयर बिकम्स हॉट इट राइजेज द राइजिंग एयर पुशेज द पेपर अपवर्ड्स आपने वो देखा है हॉट एयर बलून उसका भी मेन जो रीजन होता है वो यही होता है बिकॉज क्या होता है जो हीट है वो क्या करती है उसके सराउंडिंग्स में जो एयर है उसको वो क्या कर देती है हॉट कर देती है उसको गर्म कर देती है और जो हॉट एयर होती है वो कैसी होती है वो लाइट वेट होती है तो जिससे कि जो उसके साथ में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको वो राइज करने में हेल्प करती है ओके सो दिस इज द पॉइंट ऑफ वेदर वेदर अब आपको क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट पॉइंट इज सीजन्स हाउ मेनी सीजन डू वी हैव इन इंडिया मैं इंडिया में रहती हूँ आप कहाँ रहते हैं मुझे बताएंगे सीजन्स कितने होते हैं हमारे इंडिया में कितने सीजन हैं सीजन्स आर दोज पीरियड्स इन अ ईयर वेन द वेदर इज सेम फॉर मैनी डेज दिस इज द मेन पॉइंट फॉर मैनी डेज सीजन्स में क्या होता है जो सेम वेदर रहता है फॉर मैनी डेज देयर आर फाइव सीजन्स नेमली कौन कौन से सीजन्स हैं मेन समर मॉनसून विंटर स्प्रिंग एंड ऑटम ओके नाउ यू कैन सी द पिक्चर्स ये देखिए यहाँ पे ब्राइट सनराइज कर रहा है बीच के पास हम बैठे हैं और ये कौन सा सीजन है समर सीजन नेक्स्ट यहाँ क्या हो रहा है रेन हो रही है दिस इज मॉनसून नेक्स्ट दिस इज विंटर सीजन दिस इज स्प्रिंग सीजन एंड दिस इज ऑटम नाउ वी विल डिस्कट ऑल द सीजन इन डिटेल अब जो हम सीजनस हैं इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ओके okay? सो फर्स्ट सीजन इज समर द हॉट मंथस ऑफ द ईयर आर कॉल्ड समर जो हॉट मंथस होते हैं हमारे ईयर के वो समर कहलाते हैं इन समर सीजन द डेज आर वेरी वॉर्म समर सीजन में डेज कैसे होते हैं बहुत गर्म होते हैं बिकॉज सन शाइन्स ब्राइटली इन द समर सन क्या करता है बहुत ब्राइटली शाइन करता है तो सन की हीट हमें लगती है और वो हमारे डेज कैसे हो जाते हैं बहुत वार्म हो जाते हैं तो समर्स में हमें क्या होती है स्वेटिंग होती है वेन इट इज वेरी हॉट यू डू नॉट फील लाइक प्लेइंग इन द हीट जब हीट समर्स के टाइम पे क्या आप आफ्टरनून में प्ले करने जाते हैं नो योर मम्मा विल नॉट अलाउ यू आप क्या करेंगे यू विल प्ले इन द इवनिंग समर्स में हम कब प्ले करने जाते हैं इवनिंग के टाइम पे जब सन चला जाता है ऑल्सो इट डज नॉट गेट डार्क अंटिल लेट एज द डेज आर लॉन्गर समर में क्या होता है डेज हमारे कैसे होते हैं लोंगर होते हैं राइट right? अब आप नोटिस करना जब आपके समर्स आएंगे तो समर्स में क्या होगा आपके जो डेज होंगे ना वो बहुत लॉन्गर होंगे मीन्स जो डार्क है मीन्स जो अंधेरा जब होता है वो बहुत लेट तक होता है ओके चेंजेस इन समर समर में आप क्या क्या चेंजेस आते हैं हीट मेक्स अस लेजी हीट हमें कैसा बनाती है लेजी बनाती है मतलब जैसे जब गर्मी होती है हमारा क्या होता है हमें लगता है हम घर में बैठे आराम से ए सी ऑन करा और हम बैठ गए है ना बाहर जाने का कहीं भी मन नहीं करता एनिमल्स ऑल्सो फील लेजी ड्यूरिंग समर अब एनिमल्स भी तो है ना एनिमल्स भी लिविंग बींग्स हैं उनको भी क्या होता है वो भी लेजी फील करते हैं समर्स में दे प्रेफर टू लाई अंडर द शेड ऑफ़ ट्रीज वो कहाँ रहते हैं शेड ऑफ़ ट्रीज मतलब ट्रीज के नीचे ज़्यादातर आपको एनिमल्स वहाँ पे दिख जाते हैं यूर इट इज़ मच कूलर अच्छा क्या आपको ये पता है कि ट्रीज़ के जो शेड होती है वहाँ पे हमें ठंडक हमेशा क्यों मिलती है और अगर किसी को पता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे लेकिन मैं आपको बताती हूँ रीजन इसका जो ट्रीज होते हैं ना ट्रीज जो गैस रिलीज करते हैं वो कौन सी गैस होती है वो ऑक्सीजन गैस होती है ट्रीज कौन सी गैस रिलीज करते हैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जो गैस है वो कूल गैस है मतलब ठंडी गैस है तो जब भी आप किसी ऐसे एरिया से निकलेंगे ना जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज होंगे तो वहां पे आप नोटिस करना कि वहां पे टेम्परेचर जो है डाउन होगा एज कंपेयर टू द अदर रीजन्स। ओके हैव यू नोटिस विच ट्रीज फ्लावर ड्यूरिंग समर सीजन कैन यू नेम एनी वन आपने क्या नोटिस किया है कि कौन से फ्लावर्स हैं कौन से ट्रीज हैं जो समर सीजन में ग्रो करते हैं देखो द एग्जाम्पल इज गुलमोहर ट्री गुलमोहर ट्री गुलमोह ट्री क्या होता है वो समर्स में ग्रो करता है द लेबनम ऑल्सो फ्लॉर्स ड्यूरिंग समर यू कैन सी ब्राइट येलो फ्लॉर्स हैंगिंग डाउन इन बंचेस समटाइम्स यू कैन सी ब्लैक सीड पॉट्स ऑल्सो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ द ट्रीज विच यू कैन सी इन समर्स ओके नाउ क्लॉथ्स क्लॉथ्स हम कैसे पहनते हैं ड्यूरिंग द समर सीजन वी वीयर कॉटन क्लॉथ्स दीज क्लॉथ्स आर वेरी लाइट एब्जॉर्ब स्वेट ईजीली एंड कीप अस्कूल जब भी समर्स होती हैं हम कौन से कलर्स पहनना पसंद करते हैं हम लाइटर शेड की तरफ जाते हैं कौन से शेड की तरफ जाते हैं लाइटर शेड की तरफ जाते हैं क्योंकि लाइट कलर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं हमारे जो स्वेट sweat, स्वेटिंग जो पसीना होता है उसको ईजिली सोप कर लेते हैं वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट हमें कॉटन कहाँ से मिलती है कॉटन प्लांट से मिलती है समर इज़ द सीज़न ऑफ मैंगोवज़ समर में क्या आते हैं सबसे ज़्यादा फ्रूट कौन सा आता है समर में मैंगोज़ मैनी अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर अवेलेबल ड्यूरिंग द समर सीजन मैनी चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग समर समर सीजन में क्या होता है बहुत से ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो समर्स में आते हैं एंड इवन कुछ ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं जो कि हमें सिर्फ विंटर्स में मिलते हैं मतलब सीजन पे ये डिपेंड करता है कि कौन से हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब हमें मिलेंगे ओके सो नेक्स्ट इज मॉनसून आफ्टर द लॉन्ग हॉट समर सीजन इट बिगेन्स टू रेन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया जब समर सीज़न ख़त्म हो जाता है उसके बाद कौन सा सीजन आता है मॉनसून सीजन आता है मानसून मीन्स बारिश बारिश तो सब बच्चों को बहुत अच्छी लगती है द रेनी सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉनसून द रेन ब्रिंग्स रिलीफ टू एवरी वन फ्रॉम द बर्निंग हीट क्या होता है जब बहुत गर्मी होती है और किसी दिन अगर बारिश हो जाए तो हमें कैसा लगता है आज तो बहुत रिलीफ है आज तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आज बारिश हो गई आज मौसम बहुत अच्छा लग रहा है राइट नेक्स्ट हाउ इज रेन फॉर्म दिस इज अगेन द वॉटर साइकिल आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ दिस डाइग्राम ओके दिस इज द रेन वाटर साइकिल यू कैन से रेन साइकिल दिस इज सी और पॉन्ड और ओशन यू कैन से वॉटर इवेपोरेट टू द क्लाउड्स, ओके जो वाटर है वो उसके ऊपर क्या लगती है सन की हीट लगती है तो वो क्या होता है उसके वाटर वेपस में वो कन्वर्ट हो जाता है तो वो इवेपोरेट होकर वो कहा जाता है एयर में जाता है जिससे कि वो क्या बन जाते हैं क्लाउड्स बन जाते हैं फिर क्लाउड्स क्या होते हैं जब कूल cool डाउन होते हैं तब तो उनमें से क्या होती है रेन हो जाती है तो फिर जो ये वाटर है वो वापस कहां पे आ जाता है फिर से उसी जगह पे आ जाता है सो दिस इज द साइकिल दिस इज द वाटर साइकिल ओके चेंजेस इन मॉनसून मॉनसून में क्या क्या चेंजेस आते हैं अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे वेन इट रेन्स द अर्थ इज कूल्ड एंड प्लांट्स गेट वाटर जब बारिश होती है तब क्या होता है जो जमीन है अर्थ है जो हमारी वो कैसी हो जाती है ठंडी ठंडी हो जाती है और प्लांट्स जो रोड साइड पे जो प्लांट्स होते हैं जिनको नॉर्मली हम अपने हाउस होल्ड्स में जो प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं हम डेली बेसिस पे उनको वाटर देते हैं बट जो रोड साइड पे होते हैं उनको तो कोई वाटर देने ऐसे नहीं जाता है ना तो उनको वाटर कब मिलता है जब बारिश होती है मैनी ट्रीज ग्रो न्यू लीव्स एंड अ लॉट ऑफ ग्रास ग्रोज ड्यूरिंग दिस सीज़न क्या होता है जब बारिश होती है तो जो वहाँ पे सीड्स होते हैं किसी भी जगह पे मीन्स कॉर्नर में अगर कोई सीड्स वहाँ पे हो गए अगर उनको पानी मिलेगा फिर सनलाइट मिलेगी तो वो क्या होंगे वो ग्रो होने लग जाते हैं द रेन वॉश द डस्ट फ्रॉम द रोड्स जब बारिश होती है तो क्या होता है आपने देखा है रोड्स का वो सब कैसी हो जाती हैं क्लीन हो जाती हैं क्यों क्योंकि वो सब वॉश हो जाती है पानी से सब कुछ नेचुरली सब कुछ वॉश हो जाता है एवरीथिंग लुक्स फ्रेश एंड ग्रीन राइट द डेज आर कूलर एज क्लाउड्स डो नॉट अलाउ सन हीट टू रीच डेज कैसे हो जाते हैं फिर कूलर मतलब ठंडे ठंडे हो जाते हैं क्योंकि क्या होता है जब क्लाउड्स होते हैं तो हमारे पास सन की हीट हमारे तक नहीं पहुँच पाती है तो डेज कैसे होते हैं फिर कूल cool, कूल cool होते हैं समटाइम्स आफ्टर द शार ऑफ रेन यू मे सी अ रेनबो इन द स्काई क्या आप में से किसी ने रेनबो देखा है अ रेनबो इज ऑलवेज सीन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन रेनबो कहाँ हमेशा दिखाई देता है हमें सन की जो डायरेक्शन होती है उससे अपोजिट साइड पे हमेशा हमें जो रेनबो uh, है वो दिखाई देता है ओके सो नेक्स्ट इज कीपिंग ड्राई ड्यूरिंग द रेन्स व्हेन यू गो आउट इन द रेन यू नीड टू वियर अ रेन कोट और कैरियन अम्ब्रेला अब रेन्स में हमें क्या होता है रेन्स में हमें जब बारिश होती है तो हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए राइट right. हमें कुछ कुछ प्रिकॉशंस रखने चाहिए मान लो जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं व्हेन वी गो आउटसाइड द हाउस वी शुड कैरी एन अम्ब्रेला एंड वियर वियरा रेनकोट ओके प्लास्टिक एंड रबर आर वाटर प्रूफ आपने देखा आपका जो रेनकोट है वो कौन से फैब्रिक का है आपने कभी नोटिस किया है दैट इज़ अ प्लास्टिक प्लास्टिक वो क्यों होता है क्योंकि ये प्लास्टिक और रबर्स ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो क्या होती हैं वाटर होती हैं मीन्स इस पर पानी नहीं रुकता है तो उस पर पानी अगर नहीं रुकेगा तो हमारे कपड़े गीले नहीं होते हैं इससे जो वो रेनकोट्स होते हैं अम्ब्रेलाज होते हैं ये सब किसके होते हैं प्लास्टिक्स के होते हैं ओके इफ यू गेट वेट इन द रेन मेक श्योर यू ड्राई योर सेल्फ वेल अगर कभी हम बारिश में भीग जाते हैं तो घर आ की एकदम से क्या बोलती हैं चलो चलो कपड़े चेंज करो चेंज योर क्लोथ्स एंड ड्राई योर क्यों क्योंकि अगर आप गीले रहेंगे तो हमें क्या हो जाएंगे हम बीमार हो जाएंगे क्या हो जाता है अगर हम गीले रहेंगे हमारे कपड़े गीले होंगे तो हमें क्या होगा हमें फीवर हो सकता है ओके थिंग्स दैट thrive इन मानसून अब मानसून जब बारिश होती है तो हमें अच्छा तो बहुत लगता है है ना हमें मजा बहुत आता है लेकिन उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं प्रॉब्लम्स क्या होते हैं अब जगह जगह हम बाहर जाते हैं तो क्या होता है पानी भर जाता है वहाँ पे हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता मींस अगर कोई होल है या कुछ भी है तो हमें वो चीज़ दिखाई नहीं देगी और उससे क्या होते हैं एक्सीडेंट्स हो सकते हैं अगर कहीं पानी पानी से जमा हो जाता है तो पानी जमा होने से क्या होता है वहाँ पर मॉस्किटोज आएंगे और मॉस्किटोज हमें बाइट करेंगे तो क्या होगा उनसे हमें बीमारियाँ हो जाएंगी ओके सो लेट्स वीड रेन वाटर कलेक्ट्स इन पडल्स टेंस And bottles, mosquitoes lay eggs in them. Mosquito bites can make people ill and cause diseases such as malaria, dengue and chikungunya Okay? हमें क्या होता है मॉनसून में हमें ये सब diseases भी हो जाती हैं अगर हमें mosquitoes bite कर लेते हैं तो. Okay? Next जो seasons हैं वो हम next video में पढ़ेंगे. तब तक के लिए बाय बाय एंड आप मेरे अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए बाय